subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत करते हैं हम दोनों आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर हम आए हैं आपका, मैं बार बार बोलती हूँ, फेवरेट शो लेके, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि आपको ये शो बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता है कि आपका फेवरेट शो। तो क्या नाम है शो का? घर घर बिग बॉस। घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनाने वाली हूँ। क्यों, वीडियो आए नहीं? जोक ऑफ द डे, वीडियोस आए हैं मगर उनकी ऑडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है कि मैं दिखा सकूं। तो दर्शकों, हम फिर से गुजारिश करते हैं कि कुछ भी वीडियो ऑडियो जो बनाए तो ऑडियो का ध्यान में रखिएगा कि आवाज तो सुनाई दे, आपकी चेहरा दिखाई देगा, आवाज नहीं सुनाई देगी, फायदा नहीं है। तो शुरू करते हैं, आप पहला, मैं आपको ऑडियो सुनाती हूँ विशाल जैन का, जो उन्होंने बहुत ही प्यार से हम लोगों को भेजा है। लीजिए सुनिए। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, आपका चैनल यूट्यूब में सबसे खास चैनल मेरा, क्योंकि आपके खबरें कभी रॉन्ग नहीं होती है, आपने हमेशा सच का साथ दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, मेरा आज का ऑडियो देवोलीना और सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर है। सिद्धार्थ शुक्ला शो देवोलीना की नोक छोक है, वो हमें बहुत अच्छी लग रही है, और मैं बिग बॉस से ये गुजारिश भी करूंगा एंड तक वो झोंक-नोक हमें दिखती है, बिकॉज हम वो अग्रेशन से पक चुके हैं और अभी कुछ नया देखने मिल रहा है। तो आई एम होप कि वो अच्छे से दोनों का बॉन्ड अच्छा हो जाए और दोनों एक साथ हो जाए, और बिग बॉस उन दोनों को टास्क भी एक साथ दे तो और मजा आएगा। आपका क्या कहना है सर? तो नवीन जी, सुना आपने विशाल जी का ऑडियो? तो पहले तो विशाल जी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे चैनल को बहुत पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है आपने हमारे चैनल को, और ये भी कहा है नवीन जी इन्होंने कि आपका चैनल सच का साथ देता है, है ना बात। तो दूसरा, उनको देवोलीना और इसका सिद्धार्थ शुक्ला का अच्छा लग रहा है, और वो हम लोगों से जानना चाहते हैं कि ये चीज वो आगे लेके जाएंगे, बिग बॉस वाले उनको लेके जानी चाहिए, और साथ में ये भी लिख रहे हैं कि अब एग्रेशन बहुत हो गया था तो ये ट्रैक अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों को कैसा लग रहा है ये वो जानना चाहते हैं। ये काफी लोगों का यही कहना है, काफी लोगों की सोच जो है आपसे मिलती है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं देवोलीना फेक कर रही है ये इस फुटेज लेने के लिए, भले किसी लिए भी कर रही है, लेकिन पब्लिक को ये अच्छी चीज है। बिग बॉस का मतलब ये नहीं है कि झगड़ा ही करते रहो, चिल्लाते रहो, कानों में दर्द होने लगता है, तो अब ये रोमांटिक एंगल जो है नया, तो इसके बाद झगड़े भी होंगे, क्योंकि इसकी वजह से और लोगों में झगड़े होंगे। हाँ। तो ये झगड़े नहीं बिग बॉस में बंद होते, लेकिन ये जो एंगल है सबको अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है हाँ। कि ये काफी आगे तक ये लोग खींचेंगे। हाँ, यही वो चाहते हैं, ये नोकझोंक उनकी कहाँ तक जाएंगी, तो आई थिंक जब तक इनको टीआरपी मिलेगी इस नोकझोंक से, तो आगे ही आगे जाएगी भाई लोग। तो विशाल जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट मैं आपको सुना रही हूँ संजना अग्रवाल का। तो संजना अग्रवाल का आप सुनिए क्या बोलती है संजना अग्रवाल अपने ऑडियो में। माय फेवरेट सिद्धार्थ, लेकिन कल मुझे महिरा अच्छी लगी, क्योंकि सिद्धार्थ को बोल रही थी आप मुझे अच्छे लगने लगे हो, कितना अच्छा लगा वो मोमेंट, ऐसा लग रहा है कि सिद्धार्थ अब हीरो बनने जा रहे हैं पूरे घर के लिए, रश्मि को छोड़ के। रश्मि तो जल भून के राख हो ही जा रही है बेचारी, मोमोस सब बोलते हैं ना उसका, मोमोस थोड़ी गोल मटोल सी लगती है ना, मोमोस जैसी मुझे ना ये बहुत क्यूट लगा, पहली बात तो ये है कि मोमोस, मुझे नहीं पता था रश्मि सर को मोमोस कहते हैं। आपको भी, इनको भी हम मोमोस कह सकते हैं, नवीन जी का भी वैसा ही कुछ लग रहा है, गोल मटोल चेहरा, क्या बोलते हैं आप लोग तो इनका जो अच्छा चीज मुझे इसमें लगी है वो है माहिरा की, इन्होंने तारीफ की है, आप समझे कैसे किए तारीफ? वो बहुत प्यारा है कि माहिरा इसलिए अच्छी लगने लगी क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने बोला कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि सिद्धार्थ शुक्ला इनको कितना पसंद है संजना को। तो थैंक यू संजना आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए, प्लीज आप अपना वीडियो भी भेजिए क्योंकि आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। तो नवीन जी, अगला मैं आपको ऑडियो सुना रही हूँ राजवीर का, ये भी हमें रेगुलर बेसिस पे ऑडियो भेजते रहते हैं, बहुत अच्छे से भेज रहे हैं, इसमें थोड़ी सी इनको कुछ शिकायत है, पहले आप सुनिए फिर मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ लोगों के कमेंट देखता हूँ, वो कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप एक जाने की बात करते हो वीडियो पर,
और जो आपको सही लगता है उसकी बात करते हो, पर मैंने कभी ये नहीं देखा। मैंने देखा है कि आप उसकी बात करते हो जो सही होता है। ये लोग आपको कमेंट में गंदी गाली क्यों देते हैं? मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है देखकर भाई जी, ये ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्या कहते हो नवीन जी आप कि ये हमें इतना प्यार करते हैं कि कोई हमें कुछ कहता है तो इनका दिल दुखता है राजवीर जी का, और ये हमसे पूछना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग आपसे ऐसे बिहेव करते हैं? तो मैं सबसे पहले तो राजवीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हिंदी में ऑडियो भेजी। आपको मैंने कल पंजाबी में भेजी थी, हमने तर्जुमा कर दिया था, लेकिन आपने आज एफर्ट करके हिंदी में अपनी ऑडियो भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा भाई क्या है कि आप, ये तो अपना चैनल है ना जो हंगरी स्पिरिट्स, इसमें आप देखोगे मैसेज ऐसे कि बाकी और चैनल्स के मतलब ऊपर तो इससे 10 गुना ज्यादा लोग है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी फितरत होती है उनको गालियां देनी होती है, वो कुछ गालियां ऐसे अपने थैले में लेके सुबह ही यूट्यूब पे बैठ जाते हैं और फिर भर भर के निकालते रहते हैं कि चलो ऐसे जैसे गोले फेंकते हैं ना, तो उनके पास ये बात है कि भाई जिसके पास जो होगा वही देगा वही करेगा। हम कोशिश करते हैं कि उनको ये हॉल धीरे धीरे बदलने का समझाने की, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र बदल भी गए, उनको समझ में आ गया, उन्होंने गालियां देनी बंद कर दिया है। होप ये 2-4 बचे हैं तो ये भी जल्दी बदल जाएंगे, अपने ही भाई बंधु हैं, कोई बात नहीं। तो राजवीर जी मैं भी इसमें बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने भी अपने हर वीडियो में, लाइव वीडियो में, ये ना सिर्फ हमें देते हैं, हमें तो चलो फिर भी हम समझ सकते हैं कि हम लोग रोज उनसे मिलते हैं, बात होती है तो हम लोग करेक्ट भी करते हैं, जैसे नवीन जी ने बोला करेक्ट हो भी जाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कंटेस्टेंट्स को गालियां देते हैं, जैसे अंदर लड़कियां कंटेस्टेंट है बिग बॉस के, रश्मि, देवोलीना, सना, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, बट टचवुड हमारे चैनल में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, और बाकी चैनल्स अगर हम देखने जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारा कुछ ऐसा भरा हुआ है, क्योंकि वो लोग रिएक्ट नहीं करते इसके ऊपर, है ना, हम लोग इस पे रिएक्ट करते हैं इसलिए कम होना शुरू हो गया। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो आपने बोला है कि आप सही का साथ देते हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमें सही से पहचाना है, थैंक यू सो मच। तो नवीन जी जाते जाते हम लोग लास्ट में सुनते हैं ऑडियो संदीप का, तो संदीप जी क्या कहते हैं सुनिए। आप सभी लोगों ने एक चीज नोट की होगी ना, पारस दूर दूर से बोलता, सामने जब आता तो उसकी फट जाती है। जैसे हिंदुस्तानी भाऊ सामने आए, जब विशाल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था तो पारस बीच में कुछ बोला और हिंदुस्तानी भाऊ पारस के सामने तभी आया, तब वो आई लव यू ऐसे बोल के मतलब साइड से निकल गया। फटती उसकी जरूर है सभी से, लेकिन वो दिखाता नहीं, शो नहीं करता कि उसकी फटती है। तो ये देखो, ये तो मतलब सीधा ही इन्होंने पारस पे अटैक किया, और ये भी है कि जो कायर का खिताब जो मिलना चाहिए था एक्चुअली पारस को मिलना चाहिए था, क्योंकि पारस किस तरीके से डर भी जाता है, जैसे भाऊ ने आंखें निकाली लगा तो फिर लव यू भाऊ मैं ये नहीं कहता, तो यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी बहुत अच्छे हो तुम, तो ऐसे करते हैं पारस का, पारस झगड़ा नहीं करता, पारस झगड़ा नहीं करता, बट ये इन सब की थोड़ी सी लिमिटेशन थी इनकी कि ये पारस को ये किताब दे नहीं सकते थे, इनको पारस को ही मिलता क्योंकि किताब सिर्फ नई एंट्रीज को देना था जिसमें रश्मि देवरुना शामिल थे, इसीलिए पारस को नहीं मिला, और एंटरटेन का भी सिर्फ भाव ही डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जबकि अगर सब लोग इन्वॉल्व होते तो सना भी नंबर 1 पे होती, तो ये इसलिए था। तो मगर अच्छा लगा आपका संदीप जी ऑडियो, जो आपने पारस को कायर बोला और आपने समझी भी उसकी गेम किधर तय, और ये भी है कि हर बंदा एक तरह की गेम नहीं खेल सकता, सबको अलग अलग गेम खेलनी है, कुछ लोगों को पारस क्यूट भी लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ उसको थोड़ा, कुछ लोगों का ये भी कमेंट आता है नवीन जी की पारस के विग लगाता है इसलिए वो फिजिकल टास्क नहीं करता है, तो ये बात हो सकती है। हाँ ये बात हो सकती है क्योंकि बट अब लिमिटेशन सबकी अपनी अपनी है, इसीलिए वैसा खेलते हैं, बट आपका कमेंट अच्छा है, हमने इसलिए शामिल भी किया है, आप भेजते रहिए अपना कमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये हो गए नवीन जी आज के ऑडियोस, और अगर अच्छा वॉइस में वीडियो आता है तो हम कल शामिल करेंगे, आप कोशिश कीजिए अच्छी वॉइस में वीडियो भेजने की, और जाते जाते हम जो रोज काम करते हैं वो काम करना है, हमें आपको बताना है अपना नंबर, तो ये रहा हमारा नंबर। सेवन सेवन ट्रिपल जीरो टू नाइन जीरो थ्री एट जी हाँ, और इस नंबर पे आपको क्या करना है नवीन जी बताइए इनको। आपको अपनी सुंदर बढ़िया सी आवाज में
ऑडियो भेजना है और साथ में अपने खूबसूरत चेहरे के साथ आप बढ़िया सी परफॉर्मेंस देके बढ़िया सा अपना पूरा अग्रेशन के साथ जिसको भी आप पसंद करके करते हैं उसका हो सके तो आप वीडियो भेजिए और ऑडियो के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी फोटो भी भेजिएगा ताकि आपकी फोटो के साथ आपका ऑडियो दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही नवीन जी, जी, जी तो आज्ञा लेते हैं आपसे, कल फिर मिलेंगे सुबह गुड मॉर्निंग के टाइम पे। तो टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.